दोस्तों, हिस्ट्री फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं भानगढ़ के किले के बारे में, जानेंगे कि कितना भूतिया है ये और क्या वास्तव में इसके बारे में जो कहानियां कही जाती हैं वो सत्य हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। भारत का एक ऐसा किला जहां प्रवेश करने वाले को पहले से ही चेतावनी दे दी जाती हो कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात इस किले के आसपास भी न भटकें, अन्यथा इस क्षेत्र में आपके साथ कुछ भी भयानक घट सकता है। सिर्फ भानगढ़ में ही हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ के इस किले और आसपास के क्षेत्र में भूत प्रेतों का बसेरा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस खंडहर को संरक्षित कर दिया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे तो पुरातत्व विभाग ने हर संरक्षित क्षेत्र में अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन इस किले के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने अपना ऑफिस भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर बनवाया है। राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच स्थित भानगढ़ के किले के बारे में वहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि रात के समय इस किले से कई तरह की भयानक आवाजें आती हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस किले के अंदर जो भी गया वो आज तक जीवित नहीं आया। लेकिन इसका रहस्य क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। सिर्फ कुछ मिथक हैं जो भानगढ़ के अतीत पर प्रकाश डालते हैं। एक मिथक के अनुसार भानगढ़ गुरु बालूनाथ द्वारा एक शापित स्थान है। उन्होंने ही इसके मूल निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि महल की ऊंचाई इतनी न रखी जाए कि इनकी छाया उनके ध्यान करने वाले स्थान से आगे निकल जाए, अन्यथा पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ के राजवंश के राजा अजब सिंह ने गुरु बालूनाथ की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस महल की ऊंचाई बढ़ा दी, जिसकी वजह से महल की छाया ने गुरु बालूनाथ के ध्यान पर स्थान को ढक लिया और तभी से ये महल स्थापित हो गया। एक दूसरे मिथक के अनुसार राजकुमारी रत्नावती, जिसकी सुंदरता पूरे राजपुताने में अद्वितीय थी, वह जब विवाह योग्य हो गई तो उसे जगह जगह से विवाह के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन एक तांत्रिक की निगाह रत्नावती पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी पर तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके उसको प्राप्त करने की ठान ली। वह तांत्रिक राजकुमारी की हर छोटी मोटी बड़ी जानकारी को जुटाने लगा। एक दिन उसने देखा कि राजकुमारी का नौकर राजकुमारी के लिए इत्र खरीद रहा है। तांत्रिक ने धोखे से उस इत्र में अपने काले जादू के मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन राजकुमारी के एक विश्वास पात्र ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को उसके बारे में बता दिया। राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर रखा और तांत्रिक को मारने के लिए एक पत्थर लुढ़का दिया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने समूह से भानगढ़ को नष्ट होने का श्राप दे दिया और उसका श्राप सत्य साबित हुआ। सारी कहानियां मिथक हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टियों के अनुसार अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कुछ लोगों ने तो सैनिकों की पूरी एक टोली के चलने की आवाज, उनके वस्त्रों की आवाज और उनके अस्त्र शस्त्रों के खनकने की आवाजें वहां सुनी है। भानगढ़ के किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है, इसलिए यहाँ घूमने से पहले ये मत भूलिएगा कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है। तो ये था भानगढ़ का किला जो भूतिया है, और यहाँ पर आना और रात को 6 बजे के बाद यहाँ रुकना मौत से खेलने के बराबर है। तो मित्रों, अगले वीडियो में हम जल्द लौटेंगे। तो हिस्ट्री फैक्ट में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्द लौटें, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम जल्द लौटेंगे। बाय बाय।